एरिया को, रीजन को स्पेसिफिक करें, स्पेसिफाई करें। इसमें ये होगा कि आपको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको यूज़र को फोकस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। Hi guys, this is abedeen, CEO of Ganim Studio. Ganim Studio is basically a games and animations development company. और thank you so much for your support on social media and other platforms. और आज का जो टॉपिक है, कल क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि फिल अ नीड, हाउ टू फिल अ नीड या हाउ टू फाइंड अ नीड और हाउ टू क्रिएट अ नीड, अगर नीड नहीं है तो उसको क्रिएट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हमने कल बहुत शॉर्टली डिस्कस किया था। आज जब आपने नीड को फाइंड कर लिया है, जब आपने सारा ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मार्केट में किस चीज़ का स्कोप है, अब टुडे आवर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू मार्केट रिसर्च। आपकी नीड फाइंड है, आपको सारा कुछ पता चल गया, आपको ये समझ आ गई है कि क्या करना है। अब आता है कि जिस मार्केट में, जिस स्पेसिफिक एरिया में, मार्केट एरिया में आपने फोकस किया हुआ है, उसकी अब रिसर्च ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप विदाउट मार्केट रिसर्च अगर आप लॉन्च करेंगे अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस और अपना स्टार्टअप, तो फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि सारे चांसेस ही फेलियर के। बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर मार्केट, यू डोंट नो अबाउट द एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, यू डोंट नो अबाउट योर कस्टमर्स, यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी, हाउ मार्केट विल बी आफ्टर 10 ईयर्स, तो बहुत सारे उसमें इशूज आ जाते हैं। सो मार्केट रिसर्च में सबसे पहले तो आपने ये फाइंड करना है कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, के ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस है इसमें मार्केट में ऑलरेडी क्या क्या चल रहा है, और इसमें मार्केट में ऑलरेडी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स हैं, आया कि कोई आपके कंपेटिटर्स हैं भी सही कि नहीं, और अगर हैं तो कितने हैं, और अगर कितने हैं तो कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं तो कितना कमा रहे हैं और कितने फैले हुए हैं, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो उससे मिलती जुलती सर्विस कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना, फिर इवन आपके जो आपके कस्टमर्स रहे हैं, वो आपके नहीं, आपके कंपेटिटर्स के जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स को देखो, और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को देखो जो पॉसिबली जिनको आप टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों का हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ के गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, के मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस है आपकी, जो कि आप ऑफर करने जा रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना। सो आपने वो इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करनी है, सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, कुछ भी लाइक एनी कोई ऐप या कुछ भी, अगर आप सपोज एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले ये देखें कि आप एक स्पेसिफिक टाइप का जो लाइक आप उसमें शूज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखें कि उस मार्केट में आप जो ये स्पेसिफिक जो आपकी टाइप है, इसमें और कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो शूज़ सेल कर रही हैं, ठीक है, जस्ट सर्च के मैं, अच्छा जी कितनी कितनी ऐसी वेबसाइट हैं जो शूज़ सेल कर रही हैं, आपके पास एक नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ गई। ओके जी, अब इसमें स्पेसिफाई करें कि हर वेबसाइट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, उसमें आप देखें, उसके आप प्राइस कंपैरिजन देखें, उसमें आप क्वालिटी को देखें, सारी चीज़ें देखें, सारी चीज़ें जब आप देख लेंगे उसमें, और जब आपको समझ आ गई कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, और अगर आपको कोई ऐसा, सपोज आप कह रहे हैं कि मुझे शो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के एरिया में सेल करने हैं, या मुझे सिर्फ और सिर्फ लाहौर के एरिया में सेल करने हैं, और जो बाकी जो आपके एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट्स हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में दे रही हैं, और पूरे पाकिस्तान में देने की वजह से जो है उनका डिलीवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे ये करना है कि मुझे लाहौर तक उसको स्पेसिफाई करके और उसका डिलीवरी टाइम मुझे कम से कम करना है। इस पॉइंट के ऊपर जब आप आगे हैं, अब आपने देखना है कि वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो लाहौर में डिलीवर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लाहौर में। जब आपने देखा आपको कुछ चंद एक्सपोज कंपनीज मिले, सपोज आपको एक कोई एक कंपनी मिलती है, ठीक है, आप देख रहे हैं यार ये तो ऑलरेडी ये काम कर रही है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर रोजाना के ऑर्डर्स कितने आते हैं। सो कुछ ना कुछ करके उसकी टीम में, उसकी एडमिन में किसी ना किसी को कॉन्टैक्ट करके कोई ना इंफॉर्मेशन निकलवा के यू कैन गेट द स्टैट्स। अगर आप स्टैट्स नहीं पा रहे और आप अगर उनके पूरे के पूरे प्रोसीजर में कुछ अगर कोई आप क्रैक करना चाह रहे हैं कि उनका प्रोसीजर क्या है और वो कैसे काम कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप क्रैक करना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनके कस्टमर्स को अप्रोच करो जो लोग वहाँ से शूज़ को बाय करते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ, उनके क्लाइंट्स के रिव्यूज़ पढ़ो। अगर वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ नहीं है या फेक रिव्यूज़ हैं, तो देन जस्ट गो टू देयर वेबसाइट एंड बाय अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब उनकी प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट को www.something.com से लेके
आप प्रोडक्ट आपके घर तक आने का सारा प्रोसीजर आप नोट डाउन करो, एक एक स्टेप उसका नोट डाउन करो, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट को फॉलो अप कैसे कर रहे हैं, और जो उनका यूजर है उसको कितना वो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं मिली तो उसको वो कैसे कर रहे हैं, हैंडल कैसे कर रहे हैं, रिप्लेस भी करते हैं कि नहीं करते, अगर आपने उनको वापस करना है तो वापस करते भी हैं कि नहीं करते, ये सारे के सारे प्रोसीजर को आपने क्रैक करना है, एक एक स्टेप को आप नोट करें। अब आप फाइंड करें कि ये आपका जो सबसे बड़ा जो आपका कस्टमर कंपेटिटर जो आपका मार्केट में मौजूद है, इस कंपेटिटर को आपने कम्पीट कैसे करना है। अच्छा जी, उस कंपेटिटर को कम्पीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपने जो ही उनकी खामियां फाइंड कर ली, उनके सारे के सारे प्रोसीजर को क्रैक करके, उनकी जब आपने खामियां फाइंड कर ली, अच्छा ये जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे कन्फर्मेशन ईमेल नहीं थी रिसीव हुई, या कन्फर्मेशन ईमेल रिसीव हो गई थी लेकिन मुझे फॉलो अप कॉल नहीं आई, ठीक है, तो जो ही आपने ये चीज़ें देख ली, अच्छा इसमें हम ये कर सकते हैं, अब उसमें चीज़ें ऐड करते जाएँ, ठीक है, और उनकी वीकनेसेस को फाइंड करें और उनकी वीकनेसेस को आप अपनी स्ट्रेंथ्स बनाएं, और वो अपनी उनकी आपकी जो स्ट्रेंथ्स जो बनेगी उसको फिर आप अपने कंपेटिटर के मुकाबले में आप अपनी प्रमोशनल कंटेंट में यूज करें। लाइक यानी कि जब आपने वो सारा कुछ कर लिया, आपको पता चल गया था कि इनकी जो कस्टमर केयर सर्विस है वो अच्छी नहीं है, या इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या जो दिखाते कुछ और हैं बेचते कुछ और हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को जो जो उनकी वीकनेसेस हैं वो आपने जब फाइंड कर ली, आप फाइंड करने के बाद आप ऐसे करें कि आपने जो अपनी सर्विस फाइंड ऑफर करनी है उसमें आप उन सारी की सारी स्ट्रेंथ्स को मद्देनजर रखें, और उन स्ट्रेंथ्स को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने जो आप प्रोमो वीडियो बनाए उसमें आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि दिस इज एग्जिस्टिंग विदाउट मेंशनिंग द नेम और दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर, ठीक है, तो उन दोनों की आप कंपेयर करें, उनकी वीकनेसेस को शो करवाएं, अपनी स्ट्रेंथ्स को शो करवाएं, और दिस इज अ ग्रेट थिंग टू इम्प्रेस यूज़र, ठीक है, एक कस्टमर के बायर के माइंड को इम्प्रेस करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, और आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप उनसे कम डिलीवरी टाइम आप दे सकते हैं, लेस देन 24 आवर्स आप उसमें डिलीवरी टाइम दे सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जब आपने सारा कुछ कर लिया, अब आपने मार्केट को आपको डिसाइड कर लिया, आपने सारा कुछ डिसाइड कर लिया, आपने कंपेटिटर्स को फाइंड कर लिया, अब ये है कि आपने स्पेसिफाई करना है एरिया। मेरी बात सुने, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आप कोई भी सर्विस ऑफर करते हैं और आप बहुत स्टार्ट में हैं, उसको बहुत बड़े स्केल पर लॉन्च ना करें, उसको छोटे स्केल पर लॉन्च करें। लाइक उसको आपने जो एक वेबसाइट बनाने का डिसाइड किया कि कस्टमाइजेबल शूज़ मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अब उसकी जो सर्विस है या जो भी उसका आप उसको वेबसाइट कह लें कुछ भी कह लें, उसको स्पेसिफाई रखें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन तक जहाँ तक आपको वो सर्विस रन करने में या प्रोडक्ट डिलीवर करने में या सर्विस डिलीवर करने में आपको बहुत आसानी रहे, बिकॉज डिलीवरी इज़ द मेन थिंग। आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है या आपके पास स्टॉक नहीं भी, आपने वेंडर से उठा के अगर आप भेजना है तो टाइम, डिलीवरी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में इसीलिए इस टाइम बूम के भी नहीं है, पाकिस्तान में तो अभी खैर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया, लेकिन इशू सबसे ज़्यादा यही होता है, हम ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जब तक हमें वो प्रोडक्ट मिलती है तब तक हम भूल चुके होते हैं कि हमने ऑर्डर क्या किया था, और फिर हमें क्वालिटी का भी अंदाज़ा नहीं रहता सारा कुछ, तो सबसे इसीलिए फिर लोग प्रेफर करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने बाय करनी है वो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीकेंड पे जाके वो कहीं किसी शॉप से जाके बाय कर लें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यह है कि डिलीवरी टाइम को कम से कम करें, एरिया को रीजन को स्पेसिफाई करें। इसमें यह होगा कि आपको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको यूज़र को फोकस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको यूज़र को क्लाइंट्स को टारगेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और आप ये सपोज आपने सिर्फ अगर लाहौर को टारगेट किया है या सिर्फ अगर आपने इस्लामाबाद को टारगेट किया है तो यहाँ की जो यहाँ के लोग हैं आप उनकी मेंटेलिटी को समझते हैं, आप उनको समझते हैं ये इस्लामाबाद के लोग जो है ये ज़्यादा किस तरह की चीज़ बाय करते हैं, ये ज़्यादा ब्रांडेड की तरफ जाते हैं दूसरी तरफ जाते हैं, उन सारी की सारी उनकी चीज़ों को मद्देनजर रख के फिर आप एक स्पेसिफिक सर्विस ऑफर करें, इसमें आपके लिए बहुत सारी आसानी है, आपकी मार्केटिंग में बहुत सारी आसानी, आप कम बजट करके आप ज़्यादा ऑडियंस को एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको डिफरेंट टाइप के ऑफर्स दे सकते हैं कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए ऑफर है, और ये बहुत आसान रहता है आपके लिए, फिर बाद में जो ही वो आपका बिजनेस मैच्योर होना शुरू हो जाए। देखो, जब आपने स्टार्ट कर लिया, सपोज आपने एक सिटी से स्टार्ट लिया, जब वो थोड़ा सा फलना फूलना शुरू हो गया, अब आप ये करते हैं कि आप दूसरे सिटी में चले जाते हैं, हालांकि होता ये है कि जब आपने स्टार्ट किया एक सिटी में अभी वो वहाँ पे मैच्योर नहीं हो रहा होता, मैच्योर मींस कि अभी वहाँ पे एक प्रॉपर
आपकी वो क्लाइंट बेस नहीं अभी तक बन रही, अभी तक आपका क्लाइंट वापस नहीं अभी तक आ रहा, मतलब इस किसी लोगों ने एक एक दफ़ा से बाई किया, सपोज आपकी 10,000 प्रोडक्ट्स बिक चुकी हैं और आपको लगता है कि ये 10,000 लोग जो हैं ये अब तो अब कमाल हो गया, 10,000 प्रोडक्ट आपकी बिक चुकी हैं, एक प्रोडक्ट आपकी 1,000 की थी तो कितने सारे पैसे आपने बना लिए हैं, तो इट मीन्स कि योर बिजनेस इज सक्सेसफुल। बट देखें कि जो क्लाइंट एक बार बाय कर रहा है उसका रिव्यू क्या है, उसकी सारी की सारी चीज़ों को देखें, वो वापस आके दोबारा बाय कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखें, जब आपका बिजनेस मेच्योर हो जाए फिर उसको दूसरे सिटी की तरफ लेके जाएं, ठीक हो गया। तो ये आती है सारी की सारी चीज़ें मार्केट रिसर्च में, अपने कंपेटिटर को देखो, अपने प्रोडक्ट को देखो, एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को देखो और क्वालिटी को देखो, एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की क्वालिटी को देखो, उनकी वीकनेसेस को देखो, अपनी स्ट्रेंथ्स को बयान करो और क्लाइंट यूज़र को, जो आपका एंड यूज़र है, जो आपका बायर है, उसको सही तरह से अप्रोच करो, उसको बताओ कि वी आर बेटर देन एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड देन अप्रोच द मार्केट और इंशाल्लाह यू विल रूल द मार्केट। थैंक यू सो मच और प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू नॉट फॉर अस, ओके, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक दिस कंट्री अ बेटर प्लेस, दिस सोसाइटी अ बेटर प्लेस, दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक यू सो मच। दो हो गई है जी, दो ही रहने दें या और कर लें? चलो।